रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं जी आप। हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी ईद मुबारक। तो जनाब, हम ईद की तैयारियां शुरू कर दी, हमारी तरफ ईद हो गई है आज, मतलब सुबह को हमारी ईद है, तो आज मैंने तैयारी शुरू कर दी शाम का टाइम। मैंने कहा चल थोड़ी सी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर सूखा धनिया और जो सुरख मिर्ची यहाँ से मैंने डाली है, और जी जो होता है ना तिक्का मसाला वो डाला है, उसके अलावा मैंने इसमें नमक डाला है और कुछ नहीं डाला, तो एक चम्मच सिरके का डाला है। तो यहाँ पर मैंने चिकन को धो के साफ करके जर्दा कलर जो होता है ना उसमें धोया, इसको कलर लग गया। उसके बाद जनाब ये है लीमू, तो लीमू के साथ इस तरह करके तो मैं चिकन को लगाने लगी हूँ, क्योंकि हम बनाएंगे जी स्टीम चिकन रोस्ट, ठीक है जी। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी एक शेयर कर दिया जाए। तो आप बताएं आपके रोज़े कैसे गुजरे। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रोज़े गुजरे हैं, यकीन जाने हमारी तरफ। तो आज भी मौसम ना बादल आए हुए हैं, और बारिश का भी उन्होंने बताया हुआ कि बारिश आज भी और कल भी। तो मैं तो दुआएं मांग रही हूँ कि अल्लाह ताला जी बारिश ईद वाले दिन ना आए, ताकि जो ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनको ना ईद की नमाज़ पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है जी। तो चलें जी, मैं ज़रा सारे चिकन को मसाला लगा लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि हमारा जो चिकन है ना इसको मसाला लग के तो ये कैसा लग रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ देखें मैंने इसको दही में मसाला सारा लगा दिया, लगा के इसको अभी मैं बंद करके रख दूँगी, फिर सुबह इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। तो यहाँ ये देखें मैंने जो जर्दा कलर लगाया था ना, ये देखें पानी निकला हुआ, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैंने शायद आपको बताया कि नहीं बताया, इसके अंदर मैंने ना सिरके का एक चम्मच भी डाला था और चाट मसाला भी डाला था। चाट मसाला डालने से ना इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, और जब मैं इसको बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी थोड़ी सी रेसिपी। लेकिन इसकी पूरी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप चाहें तो देख के तो ये चिकन जो है ना बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, और कम घी में बनता है, और खाने में भी मज़े का होता है, और यकीन जाने बहुत ही हेल्थी भी हो जाता है, ठीक है जी। तो चलो मेरी तरफ से ईद मुबारक, फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा से। पलों के लिए आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, ये देखिए मैंने कहा आपको दिखाऊँ, पानी मैंने निकाल दिया, मैंने कहा ज़्यादा ना गल जाए। तो साथ ही जी मैंने गोश्त उबलने के लिए रख दिया है, यहाँ पर मैंने गोश्त रख दिया, मैंने कहा इसको आज ना देगचे में उबालती हूँ, तभी इसमें गर्म मसाले वगैरह मैंने कोई नहीं डाले, वो डालने अभी, तो आपको डाल के दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखे काली मिर्चें बड़ी वाली और छोटी वाली, दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का फूल टूटा हुआ, और आधी चम्मच जीरा है जो मैं इसमें डाल रही हूँ यखनी बनाने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो गोश्त फ्रीज किया हुआ था तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया, मैंने कहा यखनी बनानी क्योंकि धो के साफ करके रखती हूँ। तो चलिए जी, यखनी बन जाती, फिर आपसे मिलती हूँ, आगे क्या क्या और बना रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, ईद मुबारक, क्या हाल है प्यारे व्यूअर आपका। उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे, और हमारे मज़े मज़े के ब्लॉग इन्जॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जी मैंने दुआ के लिए मीठे चावल बनाने के लिए रख दिए, दूसरी तरफ मैंने इसकी चाश बनने के लिए रख दी, मैं पका रही जी कलरों वाले चावल। तो मैंने कहा चले आपके साथ साथ दिखाती जा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने ये देखे छवारे हैं जिनको मैंने भिगोया हुआ था रात भर, बादाम उनको मैंने धो के साफ सुथरा करके काट लिया, और यहाँ पर बादामों को भी दो दो पीस कर दिए, और ये रहे काजू। तो चलें जी, फिर मिलती हूँ दोबारा से आपसे। यहाँ पर जी मैंने दही पल्लों के लिए ना पलियाँ भिगो कर रख दी हैं, पलियाँ भी कहते हैं, बूंदियाँ भी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा ये उतनी देर तक भीग जाती हैं, बाकी का सामान जब तक बनाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके देसी घी डाल दिया, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया, ठीक है जी। मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आधा ग्लास दूध का डाल रही हूँ, और दो गुल पानी के चीनी के अंदर, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर जी मैंने दही भले तकरीबन तैयार कर लिए हैं, इसमें चने आलू डाल दिए, चने और पलियाँ डाल दी हैं, आलू भी मैं डालने लगी हूँ। तो आज हम घर के बंदे हैं, भाईजान अपने घर ईद कर रहे हैं, हम अपने घर, क्योंकि बारिश हो रही थी इस वजह से कोई नहीं गया है, बाद में मिलने जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़े से बना रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल मेरे हो गया खूबसूरत से तैयार, मटन अभी मैं फटाफट बनाने लगी हूँ जी पुलाव, कलर मुझसे लगता काफ़ी खूबसूरत से हो गया, ठीक है जी। चलिए जी, ये हो गया तैयार, अब फटाफट दूसरी तरफ होती है। यहाँ पर जी मैंने आलू भी डाल दिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और धनिया और पुदीना भी डाल दिया, चने भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, दही भले मेरे हो गया तैयार, अभी मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। पुलाव के लिए मैंने देगचा ऊपर दिया रख, मैंने कहा दही भले ज़रा मिक्स कर लूँ, क्योंकि आपको पता सबसे पहले तो यही चीज़ें खाई जाती है दुआ के बाद। तो मुनासिब चले गए ईद की नमाज़ पढ़ने, तो वो नमाज़ पढ़ के आते हैं, बच्चे अभी उठे नहीं, उनको मैंने बोला उठ जाओ भाई उठ जाओ, तो वो उठ ही नहीं रहे, कहते आज हमने स्कूल नहीं जाना छुट्टी, तो आज ज़्यादा सोएंगे। तो चले बच्चे उठते हैं, पेरेंट्स से भी मिलवाती हूँ आपको। यहाँ पर देखें जी मैंने प्याज बराउन अदरक लहसुन काट के, यहाँ पर मैंने गोश्त वाला था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी डाल दिया,
और ये मैंने साबुत लहसुन डाला था अंदर, तो उस लहसुन के अंदर से मैं इसी तरह ना लहसुन डाल के अंदर डाली और छिड़के जो है ना वो पानी डाली। ये मैंने गोश्त को उबालते वक्त डाला। यहाँ पर जो सूखे मसाले हैं थोड़े से खड़े मसाले छिड़के, यहाँ पर तेज पत्ता है इसको मैंने तोड़ के तो तोड़ लिया था, इसलिए इसके अंदर डाले। और जी इसके साथ साथ मैंने ये दो अदर टमाटर लिए हैं और सब्ज़ मिर्च लिए है, ये हमने डाल दी। ठीक है जी, तो अभी मैंने डालना है नमक। बिस्मिल्लाह, यहाँ पर देखें जी मैं तकरीबन दो चम्मच होंगे ऑयल का जो मैं डाल रही हूँ, चाय खाना खाने वाले जो चम्मच है ना उस वो वाले छोटे। अच्छा, इस घी को मैंने सारी देख में खिला दिया है। तो ये देखें जो मैंने चिकन को मसाला लगाया था, बिस्मिल्लाह, ये मैं इस तरह करके इसके अंदर रख रही हूँ। जितनी बड़ी आपकी देगची हो या बर्तन हो उसी हिसाब से आप पीस डाल दें। मेरे में पता नहीं अब कितने आते हैं, मैं तो वैसे इसमें एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, जहाँ पर तीन आने होते हैं मैं चार रख देती हूँ, चले कोई बात नहीं गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी, ये लो जी इसमें हमारे आ गए हैं तीन और छः आ गए, तीन हमारे बच गए हैं। चले फिर वो मैं दोबारा से पका लूँगी, थोड़ा सा मैं ऊपर ये दही भी डाल देंगे। तो ये बिल्कुल अभी मैंने आस्था आँच के ऊपर रखा है और जनाब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ इसका ढक्कन, तो जैसे ही थोड़ा सा पकता है फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा गोश्त माशाल्लाह हो गया तैयार, इसके अंदर हमारे यहाँ पर ये देखिए जो मैंने चटनी बनाई थी ना वो डाल दी इसके अंदर। ये होगी हमारी यखनी, बिस्मिल्लाह, मेरी यखनी पूरी आ गई, तकरीबन आधा सा ग्लास कम पड़ा है, मैंने दूसरा पानी डाल दिया। चलें बिस्मिल्लाह, यहाँ पर जो पानी गया है पक, चावल भी मैंने डाला, तो अभी जी हमारे चावल ही फटाफट बन जाते हैं, उतनी देर में हमारा चिकन भी बन जाना है। फिर जनाबे आलिया हम डालेंगे सारे, खाएंगे आप भी आए खाएं हमारे साथ, ईद मनाएं आपको हमारी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक। अच्छा जी, चावल हमारे आ गए दम पे, तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। तो ये हैं जी मीठी वाली मिर्चें, कड़वी वाली नहीं है, तो मैंने कहा चले ये भी डाल देती, कितने सोने चावल लगेंगे। ठीक है जी, अब मैं लगा रही हूँ इसको दम, बिस्मिल्लाह हमारे नहीं, पाँच मिनट के बाद दम खोलते हैं, चावल देखते हैं कैसे पके। इधर जी हमारा चिकन देखिए उसका पानी खुश्क हो गया, मैंने ढक्कन हटा दिया, अब मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी थोड़ी देर, फिर ये थोड़ा तैयार होता तो आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ देखिए जी हमारे चावल हो गए हैं तैयार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं इनको करती हूँ हल्का सा मिक्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। ठीक है जी, अभी मैं आशा आएंगे नमाज पढ़ कर, फिर वो फैक्ट्री में भी लेके जाएंगे अपने दोस्तों के लिए भी खाना, जो डाल के दोस्तों उनके लिए। ठीक है जी, जो पाकिस्तानी तो खैर इनकी फैक्ट्री में इतने कोई नहीं होते, एक ही पाकिस्तानी है तो वो तो अपने घर में ईद करके आएगा ना, आते उनके बाहर ऐसे मनाज सब जाएंगे। तो चले अभी मैं चिकन भी तैयार हो जाता है, फिर उनके लिए खाना भी पैक करती हूँ, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर खाना तैयार हो गया, तो यहाँ पर मैं नीचे हमसायों के घर भेजने लगी हूँ राइस, इसमें मैंने डाल दिया, पुलाव भी डाल दिया, और जनाब मैंने मीठे चावल जो है वो भी डाल दिए, और साथ यहाँ पर मैंने जो है दही पल्ले वो भी डाल दिए। तो अभी नवेरा जाएगी उनको देने के लिए, ये जी रख दिए डिश में, अभी नवेरा जाएगी देने। नवेरा ले लो बेटा, दे के आओ, ईद मुबारक भी करना जाके आपकी को, ठीक है आंटी को भी। नवेरा इधर करो एक मिनट, अपनी मेहंदी तो दिखाओ जरा, फिर जाना यहाँ करवा के हाथ। ये मेरी तीन है देखे कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई, ये देखें, ये नीचे जिनके घर नवेरा जिन्हें जा रही है ना उन्होंने लगाई थी, ये देखें। मुझे लगानी आती लेकिन इतने ज्यादा डिजाइन नहीं आते, इसलिए नवेरा नीचे गई थी लगवाने आप ही से। चलो मेरा बेटा ठहर, मैं दरवाजा खोल दूँ। अच्छा जी, अभी लिफ्ट वाले आए थे नीचे, बिल्डिंग वाले सीढ़ियाँ वगैरह साफ करके गए थे, तो ये जा रही है नवेरा और मोइज देने के लिए, क्योंकि ये हमारे से नीचे ही उनका घर है, ये नीचे फ्लोर में आपको दिखाती हूँ, ये रहा उनका घर, ये देखें बच्चे जा रहे हैं देने, तो चलें ये दे के आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ इधर जी देखे मेरा चिकन जो वो भी तैयार हो गया है, तो अभी मीना साहब आएंगे तो फिर वो लेके जाएंगे फैक्ट्री अपने दोस्तों के लिए और खाना भी खाएंगे, अभी वो आए नहीं है घर। उतनी देर में मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि मैं कौन सा पहन रही हूँ, मैं अभी फारग हुई, मैं अभी पहनूंगी, बच्चों को पहना दिए कपड़े। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो पाकिस्तान से मेरा वेलवेट का सूट आया था वो वाला, और उसके साथ ये गोल्डन वाली चूड़ियाँ जो है ये वाली, और जी काले रंग का पजामा ये मैं अभी पहनने लगी हूँ जी। ठीक है जी, क्योंकि हमारी तरफ सर्दी है, बारिश हो नहीं रही लेकिन बारिश आने वाली है, तो सर्दी काफ़ी सारी है, इसलिए अभी इधर मोटे कपड़े जो वो चलते हैं वेलवेट के, नवेरा ने भी वेलवेट का पहना है, तो मोई साहब जो है उसने पैंट के साथ कुर्ता पहन लिया था ब्लैक कलर का, तो चलें फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा से। यहाँ पर अब खाना खाने का टाइम हो गया, सब खाना खाने लगे हैं, बच्चे अंदर बैठे हैं, उनको मैंने बुलाया, तो यहाँ पर ये ना हमारे हमसायों को घर से आया, मैंने कहा मैं आपको एक इसका भी व्यू दिखा देती हूँ, ये देखें, और ये दही पल्ले, ये चिकन, और ये राइस, और वो चने की दाल का एक जैसे हम दही पल्ले बनाते हैं ना उस तरह का,
जो उन्होंने बनाया, ये मीठे चावल। ये रहा जी हमारा आज का खाना, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आपको ईद मुबारक हो। खैर, वो खाना मैं गया था कहीं बाहर, तो अभी आया हूँ, खाना जल्दी जल्दी खा के तो भागने लगा हूँ काम पर, तो इसलिए ऐसी पोजीशन में बैठ गया हूँ। यहाँ पर ना छोटे बाहर से आया वैसा ही बैठ गया हूँ। आप सुनाए, आपकी कैसी ईद गुजरी है? हाँ, इनकी ईद ऐसे ही गुजरनी ना, अभी खाना खाएंगे, खा के तो फिर चले जाएंगे काम पे, क्योंकि यहाँ पर तो छुट्टी होती कोई नहीं है, तो फिर क्या करें। अच्छा जी, ये डाले हैं मीनार साहब ने जो फैक्ट्री लेके जाने अपने दोस्तों के लिए, अटालियन जिनके लिए खाना लेके जाना, ये राइस और चिकन, और यहाँ पर मीठे चावल दही पल्ले नहीं लेके जा रहे, तो ये करने लगे हैं जी मीनार साहब पैकिंग। ये देखें इस तरह इसको ना पैक कर कूर के ना फिर मीनार साहब लेके जाएंगे। अच्छा जी, मीनार साहब चलेंगे खाना लेके और खाना खा के थोड़े से राइस खा के चले गए, क्योंकि काम पे जाना था जल्दबाजी में, तो अभी बच्चे बैठने लगे खाना खाने के लिए और मैं भी खाना खाने लगी हूँ, तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत ज्यादा ईद मुबारक। ईद मुबारक हो वीवर, मेरी तीन की तरफ से। मुझे आपने ना ईद की मुबारक दी वीवर को, ईद मुबारक। चलें जी, हम करते हैं अपनी वीडियो खत्म, अपना व्लॉग खत्म, आपसे चाहते हैं इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।